सागर की देवरी में साइकिल वितरण योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। यहां छात्राओं को कागजों में साइकिल का वितरण कर दिया गया, जबकि जिले भर के सभी संकुल केंद्रों में सैकड़ों की संख्या में साइकिल रखे रखे जंग खा रहे हैं। अकेले देवरी हाई स्कूल की ही बात की जाए तो यहां करीब 400 साइकिल 2019 से रखे हुए हैं। इन साइकिलों का वितरण आज तक छात्राओं को नहीं हुआ। मामले में विधायक हर्ष यादव द्वारा शिक्षा विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर पूरे जिले भर में साइकिल वितरण की जानकारी मांगी है। ये आपके संस्था में जो साइकिल रखी है ये कितने समय से रखी है? हाँ, करीब एक साल से। अच्छा, ये कैसी साइकिल रखी है? डी आर सी और बी ओ। एक साल से ही रखी है। एक तरफ हम बेटियों को अपनी बच्चों को साइकिल नहीं दे पा रहे हैं और वो साइकिलें जो रखी हैं खराब हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, उनको हम वितरण नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग की बिखोर लापरवाही और उदासीनता दिखाई देती है। मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने इस मामले को जिले के कलेक्टर को भी लिखा था, शिक्षा मंत्री को भी लिखा था और एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट के हेड को भी लिखा था। उन्होंने मेरे पास जो जानकारी भेजी है उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि जिले में 2017-18 की 1709 और 18-19 की 744 और 19-20 की 3273 साइकिलें अभी भी रखी हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से प्रशासन के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, क्या वजह है वितरण नहीं हो पाई? यदि ज्यादा आई है तो किन वजह से आई? और यदि आने के बाद जो साइकिलें हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं या जिनको हम बंदी घंटी में खतरे ही हैं, जंग लग रही हैं, उनके लिए कौन दोषी है? वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।